नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें साझा करेंगे। दरअसल साथियों, रिसेंट में ही एक जानकारी त्रिभुवन सिंह जी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, जो की आप सभी के अस्थायीकरण से संबंधित है। पूरी खबर क्या है विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में जानेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। दरअसल साथियों, आप सभी का कल मानदेय जारी हुआ, यानी कि जनवरी माह का मानदेय जारी हुआ। वहां पर सरकार ने 1/2 माह का ही मानदेय दिया। हालांकि शिक्षा मित्रों के द्वारा प्रयत्न किया गया, काफी ज्यादा समस्याएं भी शिक्षा मित्रों के द्वारा उठाई गई, जिसके ऊपर ही त्रिभुवन सिंह जी ने एक ट्वीट किया है कि मित्रों, हमारे राज्य के राजा ने अमृत काल में 15 दिन की दिहाड़ी देने का ऐलान कर दिया है। जय हो देश प्रदेश के राजा की 67 चरम पर। जहां पर दूसरा आप पेपर कटिंग आप देख लें, हालांकि इसके ऊपर कल भी मैंने चर्चा की थी, ये लगभग परसों की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहां पर दैनिक भास्कर की न्यूज है कि मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन 40,000 रुपए बढ़ेगा, 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, 50 साल में 550% तक बढ़ चुका है, यानी कि विधायकों का मानदेय। साथियों, यहां पर एमपी का, एमएलए का, इस प्रकार से इन सभी का मानदेय में कह रहा हूं, वेतन की बात होती है, वेतन इनका हरदम बढ़ता रहता है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों का 3500 से 10,000 किया गया, यानी कि ये शब्द सरकार के द्वारा यूज किया जाता है कि हमने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 3500 से 10,000 कर दिया गया। और 10,000 में सरकार को लगता है कि शिक्षा मित्रों का जीवन यापन बड़ी ही अच्छे से हो रहा होगा। जहां पर उसी तरफ शिक्षकों का भी वेतन लगातार बढ़ाया जाता है, वहीं समान योग्यता या फिर उससे उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों को केवल और केवल 10,000 दिया जाता है, और उसके नाम पर भी यहां पर सरकार के द्वारा ताने मारे जाते हैं। जहां पर आप देख लें कि ये भी त्रिभुवन सिंह जी के द्वारा ही ट्वीट है कि देश में विधायकों का वेतन इतना परसेंट बढ़ सकता है, लेकिन संविदा कर्मियों को 12 महीने का मानदेय नहीं मिल सकता, कहां का यह न्याय है। बीजेपी अच्छे दिन दिखाकर केवल शोषण कर रही है, यानी कि बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, साथ तो सबका ही है लेकिन विकास कुछ ही लोगों का हो रहा है। यानी कि यहां पर शिक्षा मित्र अनुदेशक क्या करें, उन्हें 15-15 दिन का मानदेय नहीं दिया गया, और उस दिन नहीं दिया गया जब उनका साल का शुरुआत था। साथियों, पॉजिटिविटी भी एक चीज होती है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को जब उनके साल की शुरुआत थी तो फिर उन्हें साल के शुरुआत में ही बेरोजगार छोड़ दिया गया, और सरकार के द्वारा वेतन देकर भी कह दिया गया कि केवल 15 दिन का ही आपको मानदेय दिया जाएगा। फिलहाल ये सरकार का कहां का न्याय है ये सरकार ही जाने, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि फिर इसके ऊपर सरकार विरोधी गतिविधियां भी आने लगेंगी। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है ये कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।